ठीक है ना, इसको हिलाना मत आप लोग, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बताया था बेटा, जीरो और 90 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे ना, उतने नंबर का अगर कोई एंगल बनता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्लियर है? Yes, तो सोचना है कि 0 और 90 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। 1 आएगा, 1.2 आएगा, पॉइंट में भी आ सकता है एंगल, देखो पॉइंट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं जरूरी होल नंबर में ही एंगल होगा, पॉइंट में भी हो सकता है, बट अभी जो हम पढ़ेंगे सिर्फ होल नंबर वाला एंगल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 तक, ठीक है। ये सारे जो एंगल होंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल, ठीक, क्लियर है ना? यस सर। अच्छा 89, उसके बाद 90 अगर हो गया एंगल तो 90, यहाँ से जरा स्टार्ट करो, है ना, मैं इसी के अंदर एक्यूट एंगल देखूंगा, इसको मैं 45 लिया था ना, मिटा देता हूँ, ये एक एंगल बन रहा है, बन रहा है ना, फिर ये भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है, इधर भी एक एंगल बन रहा है, ये जितने भी एंगल बन रहे हैं सब क्या होंगे, ये वाला पहला देखो एंगल, ये वाला दिखा आपको, ये फिर दूसरा इसके साथ एंगल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, देखो जरा, इसको अज्यूम करने की कोशिश कीजिए आप, ये देखिए ये हमारा एंगल, ये पेन क्या हो रहा है बेटा, पहले यहाँ पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, फिर उसके बाद और ऐसे हो गया, बढ़ रहा है ना एंगल, देखो इसका स्पेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, जब तक 90 पे नहीं पहुंचेगा हम उसको एक्यूट ही बोलेंगे, 89.999 वो क्या होगा, एक्यूट होगा, 90 तो नहीं है ना, 90 पे पहुंच जाएगा तो उसके लिए हमारे पास दूसरा नाम है ना, 90 डिग्री को क्या बोलेंगे बेटा, राइट एंगल, राइट, आर एस जी एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल इसलिए बोलेंगे, राइट का मतलब क्या होता है, जरा है ना अपने से लॉजिक लगाओ, सीधा है ना, हम अपना लॉजिक लगाएंगे याद करने के लिए कि राइट एंगल मतलब क्या, हम अपना लॉजिक लगा, हमको मालूम है राइट तो मतलब सीधा भी हम समझते हैं, है ना, स्ट्रेट मतलब भी सीधा होता है और राइट का भी मतलब कहीं कहीं हम लोग समझते हैं ना, राइट डायरेक्शन सीधे डायरेक्शन के हो, तो राइट का मतलब सीधा। अच्छा अब मैंने आपको बताया था ये एक लाइन है और इसमें एकदम अगर मतलब कोई सीधा लाइन आएगा तो कितने का बनाएगा एंगल, 90 डिग्री, तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, सीधा सीधा मतलब 90 डिग्री, समझ में आया, राइट एंगल हमेशा 90 से कम होगा ना 90 से, जो घड़ी की सुई थी वो चलते चलते यहाँ पर आ गई, यहाँ पर बेटा यहाँ पर आ गई, तो ये 90 डिग्री बन गया, और 90 डिग्री का सिंबल याद रखो हमेशा, मैंने एक ऐसे लाइन की ऐसे दे दिया, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, अगर मैंने ऐसे भी लाइन खींच दिया ना ऐसे और यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, तो अभी मैं यही बोल रहा हूँ आपको, मैं राइट एंगल नहीं लग रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ये राइट एंगल है, और आपको मानना पड़ेगा। यस सर। अब राइट एंगल के बाद अगला आते हैं हम, है ना, कौन सा ऑब्ट्यूस है ना, राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूस एंगल है, चलिए ऑब्ट्यूस को हम देखते हैं, ऑब्ट्यूस बेस एंड चलिए बहुत ही इजी है ना, इसको याद करना दो तीन दिन आप सिर्फ देख लोगे आपको याद हो जाएगा, है ना, अब देखो यहाँ तक 90 डिग्री, ठीक है, पेन हमारा ऐसे चल रहा था, ये 0 डिग्री, ये कोई एंगल नहीं है, अभी कोई एंगल बना जीरो मतलब कुछ नहीं, जीरो से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा और सेंटर में आ गया, थोड़ा सा भी अगर बढ़ गए, थोड़ा सा भी बढ़ गए तो अब किस में आ जाएंगे, कहाँ से बोलते हैं बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 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 डिग्री, 180
90 और 180 इसको कहने का तरीका ऐसा नहीं बोलोगे 90 से 180 नहीं से नहीं लगाओगे 90 और 180 के बीच में कितने नंबर आएंगे बताओ 91 से कहने का ये तरीका हो सकता है कि 91 से लेके 179 तक जितने भी एंगल बनेंगे वो सब ऑब्ट्यूस एंगल होंगे ठीक है और दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो कि 90 और 180 के बीच में मतलब ये दोनों नहीं होंगे ये दोनों नहीं होंगे ठीक है अब मैं अगर देखूं आपको देखो मैंने क्या बोला 90 से ज्यादा और 80 से कम है ना 90 और 80 के बीच में क्या हो गया जो नंबर आएगा वो 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम यही होगा ना कंडीशन कुछ भी नंबर ले लो 90 और 180 के बीच में जो भी आएगा वो 180 से कम होगा और 90 से ज्यादा मान लो 110 ले लो 90 से ज्यादा है 180 से 165 ले लो 180 से कम है 90 से ज्यादा है तो 90 और 180 के बीच में ए पीछे 90 और 180 के बीच में जो भी नंबर आप पकड़ोगे वो 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा ये भी आपका डेफिनेशन हो सकता है कि ऐसा एंगल जो 90 से ज्यादा हो 180 से कम हो बुक में यही डेफिनेशन दिया है ना कैसा एंगल बनाओ जो 90 से ज्यादा हो 180 से कम हो ये हमने समझा इस तरह से है ना मैंने क्या डेफिनेशन दिया आपको 90 और 180 के बीच में जितने भी नंबर बन सकते हैं ना वो सारे नंबर का अगर एंगल बनाओगे तो सब क्या कहलाएंगे ऑब्ट्यूज और हमको मालूम है इनके बीच में जो नंबर आएंगे वो 90 से ज्यादा होंगे और 180 से कम चलिए आप देखते हैं मान लो 90 यहाँ तक तो ये एंगल 90 दिख रहा है आपको इधर जैसे ही थोड़ा सा बढ़ूंगा ये 90 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा तो अब मैं अगर ये वाला एंगल ऐसे बोल रहा हूँ इसको मैं चलो मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए 90 डिग्री वाले एंगल को सिर्फ मैं ऐसे लिख लूंगा ऐसे डॉट अब बताइए मुझे बताइए अब ये जो एंगल को ऑब्ट्यूज बना कि नहीं बना इसके बाद और पढ़ लिया मैं ये ऐसा आ गया ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्ट्यूज हुआ कि नहीं हुआ तो मैं और थोड़ा सा पढ़ा लिया ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्ट्यूज फिर यहाँ तक ऐसे यहाँ ये दिस वन एंड दिस वन ये पूरा ये क्या हुआ ऑब्ट्यूज हुआ उसके बाद मैं क्या कर दिया करते 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 मैंने इतना बढ़ा दिया कि वो जो एंगल है वो इसी लाइन पे आ गया ऑब्ट्यूज बन गया नाइनटी और 180 के बीच में ही रखना है आपको आपने तो 180 पे आ गए सीधा लाइन बन गया ये 180 बन गया अब ये दूसरा ऑब्ट्यूज नहीं रहा स्ट्रेट लाइन है इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल तुम्हें तो बोले हो ठीक है अच्छा स्ट्रेट एंगल का मैंने तरीका बताया था आपको कैसे डिनोट करोगे कैसे आप उसको दर्शाओगे सिर्फ ऐसा ऐसा खींचे ये स्ट्रेट एंगल नहीं कहलाएगा ठीक है ना एंगल का अपना एक अलग डिफरेंशिएशन होता है सिंबल होता है यहाँ आप ऐसे दिखाओगे अब ये जो है स्ट्रेट एंगल कहलाएगा यानी ये लाइन दो पार्ट में है एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक और एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एक ही जगह पे मिला हुआ है और एंडिंग पॉइंट नहीं मालूम है मालूम भी है नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक पॉइंट मिला हुआ है ना यस सर ये लाइन पहले ऐसे ही था दोनों लाइन ठीक है ना दोनों लाइन ऐसे ही था ये स्टार्ट हुआ ऐसे यहाँ तक एकदम आधा इधर आधा उधर तो ये स्ट्रेट बन गया इसको राइट एंगल बोलेंगे फिर ऐसे करते करते जैसे पहले वाले लाइन पे ये कम आ गया सीधा लाइन दिख रहा है 90 डिग्री हो गया हम इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल भाई इससे आगे भी तो घड़ी हमारा जो चलता है इससे आगे भी जाएगा ना सर अब ये ऐसे भी तो होगा ऐसे भी होगा ना अब इसमें आप देखो ये कंडीशन हमारा ये हम स्ट्रेट लाइन पे आ गए इसको मिटा दिया हमने तो 90 इधर और 90 इधर 180 हो गया सर अब ये जो लाइन है आगे बढ़ेगा इधर देखिए ये लाइन आगे बढ़ के ऐसे हो गया एक लाइन ऐसे और दूसरा बेटा ऐसे अब मैं एंगल इधर से लूं या इधर से लूं ऊपर से कि नीचे से ऊपर से है ना घड़ी इस सुई की डायरेक्शन कैसे ऐसे आ रहा है तो मैं एंगल भी कैसे लूंगा ऊपर से ऐसे आया होता तो नीचे से लेता क्लियर है ना आगे भी बताऊं ना सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है लेकिन इसी में आप समझोगे तब समझ में आएगा
तो चलिए इधर देखिए, अब आते हैं ऑब्ट्यूज हो गया, रिफ्लेक्स एंगल है ना, इधर देखिए तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा, 180 डिग्री और इसके बीच में रिफ्लेक्स, अब ध्यान दो जरा, रिफ्लेक्स एंगल है ना, रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं बताओ, 181 और 359, या तो 100 अगर 81 डिग्री का बना दिया आपने एंगल तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो गया, और 359 डिग्री का बना दिया तो वो भी रिफ्लेक्स एंगल हो गया। रिफ्लेक्स का मतलब समझ लो थोड़ा सा क्या होता है, रिफ्लेक्स का मतलब रिफ्लेक्शन, जैसे आपके है ना इधर देखो लाइट पड़े हो ना, लाइट इधर पे लाइट आता है तो क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो 180 डिग्री तक आ गया तो सीधा अब क्या हो गया रिफ्लेक्शन, उसी तरफ जा रहा है फिर से उसी तरफ जा रहा है, अब रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं या रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको समझ में आया ये, अब मान लो मैं अगर दिखाऊंगा कि भाई ठीक है ये 180 डिग्री यहाँ से यहाँ पर आ गए ये भी रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ से यहाँ पर आ गए ये भी रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ से यहाँ पर आ गए ये भी रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ पे यहाँ पर आ गए ये भी रिफ्लेक्स एंगल, 360 पर नहीं पहुँचना चाहिए, 360 पर पहुँच गया रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा, जैसे ये कौन सा एंगल है बताओ बेटा, एंगल किधर से, बाहर की तरफ से, ठीक है ना, देखो दो कंडीशन हो सकता है इसमें, देखो ये छोटा सा एंगल देखो और एक बाहर से, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 360 ही आएगा ना, तो बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला, इसका कहने का मतलब ये पूरा ये जो आपको दिख रहा है ना लाइन, ये क्या बता रहा है, ये पूरा पूरा ऐसे घूम गया हो, और ये क्या बोल रहा है, बस यही से यही तक, ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल 360 पर जैसे पहुंचे एक कंप्लीट हो जाएगा ना, हम इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल है ना, और 360 को कैसे दिखाते हैं बेटा मालूम है ना आपको, यस सर, ये यस सर एंगल एंगल है ये, यस सर हमने दिखा दिया कि ये जो लाइन है ऐसे ऐसे घूमा है ना, ऐसे घूमना इसने स्टार्ट किया, ऐसे घूमना स्टार्ट किया, ऐसे आ गया 90 डिग्री, फिर ऐसे आ गया 180 डिग्री, फिर ऐसे आ गया 270 डिग्री, और फिर से घूम के वहीं पे चला गया।